भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उमरा के एमएमवाली स्थित जो टीएमसी हॉस्पिटल बनाया गया था, दरअसल इसे पीपी मॉडल पर चलाने के लिए प्राइवेट किया जा रहा था और इसका टेंडर ही निकलने वाला था, लेकिन टेंडर रद्द करने की मांग को लेकर मुस्लिम लीग पार्टी की फरहत शेख वो जो है भूख हड़ताल पर बैठी थी और आज नौवां दिन था उनके भूख हड़ताल का। और आज मनपा के अधिकारी मनीष जोशी उनके भूख हड़ताल पर पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया गया कि जो टेंडर है वो रद्द किया जाएगा, उसके साथ ही जूस पिलाकर उनके भूख हड़ताल को खत्म कराया गया। फरहत शेख हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से बात करेंगे कि मनीष जोशी ने क्या कुछ उनसे कहा है। और बहरहाल मनीष जोशी ने मीडिया से भी बातचीत में जो कहा है वो भी हम आपको सुनाइए, लेकिन सबसे पहले हम फरहत शेख से बात करते हैं। यहाँ पर मनपा के अधिकारी मनीष जोशी आए हुए थे, आपकी भूख हड़ताल जो है आज नौवां दिन था वो खत्म कराया गया और जो प्राइवेट करने का टेंडर होने वाला था उसे रद्द करने की आपकी मांग थी, तो मनीष जोशी की तरफ से क्या आपको कहा गया है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारी सबसे पहले मांग ये थी कि इस प्राइवेटाइजेशन के टेंडर को रद्द किया जाए। एक्चुअली हमारी जो मांग थी वो जायज थी, हमें ये बताता और हम उसके अलावा जो हमने मांगी थी कि हम एक बहुत बड़ा तबका उमरा का तो बीमारी जो इलाज होते इससे वंचित रहने वाला था, जिसकी हमें समझ थी और हमने उसको निवेदन दिया थाने म्युनिसिपल कमिश्नर को, तो एक दबाव बना उस चीज पर, लोगों का रुझान बहुत अच्छा था और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया। इन लोगों ने सोचा इस बारे में कि ये जो है सच में ऐसी बात हो सकती है कि अगर हम पीपीपी कर दे, प्राइवेट कर दे, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो इससे जो है वंचित रह जाएंगे। तो मनीष जोशी साहब जो है आज वो खुद यहाँ पर आए थे भूगत तारगिल, जहाँ मैं एमएमएल हॉस्पिटल के पास जहाँ मैं बैठी हूँ, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम यहाँ पर, मुझे टीएमसी की तरफ से भेजा गया है और इस टेंडर को जो है आपकी जो मांगे थी वो समझ में आई हम लोगों को, और आप जो मांग रहे थे कि सरकारी तौर पर चलाया जाए वो सरकारी तौर पर चलाना ही चाहिए, उनको ये समझ में आया। तो उन्होंने कहा है मुझे कि हम जो है वो जल्द ही ये टेंडर को, मतलब उन्होंने ये बोल दिया है कि ये टेंडर जो है कैंसिल होने वाला है, ये कैंसिल हो गया, ऑलमोस्ट ऑफिशियली अनाउंस किया है ये टेंडर को जो है हमने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जब आपका काम चालू है इसके लिए कि इसको सरकारी करना, यानी ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चल रहा है, तो साथ ही साथ आप टेंडर नहीं चला सकते हो। तो उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि टेंडर को हमने रोक दिया है और अभी जो है इस बात पे विचार किया जाएगा कि इसको सरकारी किस तरीके से चलाना है, तो सरकारी हॉस्पिटल ही चलेगा ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, ये मनीष जोशी साहब ने कह के गए हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है वो जो है वो बहुत पैसे उसमें लगते हैं, तो हमने उसमें बोला था कि ये सर्जरी को जो है ना वो स्कीम के अंडर में लाया जाए, तो उन्होंने ये भी बात को समझा और उन्होंने कहा कि नहीं ये बात भी सही है, जो बड़ी बड़ी सर्जरीज होगी वो स्कीम के अंडर में होगी। तो बेसिकली हम चाह रहे थे कि जो शिवाजी हॉस्पिटल का रेप्लिका बने या उसका जो डुप्लीकेट जो है वो सीधा यहाँ बने, तो उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉस्पिटल अभी होना करार पाएगा इंशाल्लाह, और हर चीजें जो सरकारी दामों पे जो है वो मुहैया किया जाएंगी। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी सर्जरीज है इंशाल्लाह वो स्कीमों के अंडर ही होगी। तो जिस तरीके से एक मुमरा वालों की जो मांग थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो गई है, तो मैं प्रहार टाइम के माध्यम से आप सभी लोगों को मुबारकबाद दूंगी कि ये जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, नौ दिन का जो उपोषण था हमारा वो सक्सेसफुल रहा, सारों की कुर्बानियां कबूल की अल्लाह ने, और आप सभी को इंशाल्लाह बहुत जल्द सरकारी हॉस्पिटल मिलने वाला है। अच्छा एक बात ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल कैमरे पर उन्होंने अनाउंस किया है, सब कुछ लिखित में आपको लेटर वगैरह दिए कि हम प्राइवेट नहीं करेंगे, कहीं बाद में पता लगे कि आपका हड़ताल ऑलरेडी खत्म हुआ है, कुछ दिन के बाद पता लगे पर्दे के पीछे कुछ खेला हो गया? नहीं, कैसा है, सबसे पहले बात तो हम लोगों ने भी यही कहा था, बट उन्होंने बोला कि मैं टीएमसी की तरफ से आया हूँ और मुझे बोला गया है ऑफिशियली अनाउंस करने के लिए, इसलिए हमने वीडियो कवरेज रखा जो एक प्रूफ होता है, हमने उसको रखा है साथ में, और जहाँ तक रही बात जो है हम लोग इस तरह का इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर फॉलो अप करते रहेंगे कि इसको कैसे, क्योंकि हम लोग मुमरा में किसी को नहीं मालूम था कि ये प्राइवेट होने वाला है, ये हमने लोगों को जानकारी दी और जिनको पता था उन्होंने तो लोगों को बेवकूफ बनाया। तो हम ये मुमरा वालों ने आज जितना भरोसा हम पर दिखाया है, मैं कहूंगी कि उतना ही भरोसा आप अपनी बेटी पर रखिए, मुमरा की बेटी पर रखिए, और ये हॉस्पिटल जो है वो सरकारी जिस तरीके से उन्होंने बताया है वो उसी तरीके से रहेगा, और इंशाल्लाह जो आपकी हाँ जिस तरीके से आप बोल रहे कि ये नहीं, ये हम लोग जो है वो कंटिन्यू इसके ऊपर फॉलो अप करने वाले हैं, कंटिन्यू इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि
मुस्लिम लीग का वादा है कि जो चीज वो अपने हाथ में लेती है उसको आखिर तक करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रण लेकर यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठे थे। आज नौवां दिन है, रमजान की बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी कुर्बानियां कबूल की और ये सरकारी हॉस्पिटल जो है वो हमें मिल गया। जैसे कलवा का छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल चल रहा है, ठीक उसी तरह से ये क्योंकि स्कीम के अंदर से चलाना सबके लिए प्रॉब्लमेटिक था, हर कोई जो इसका इलाज इसमें इलाज नहीं करवा पाता था। तो हमने उनको समझाया कि सर यहाँ की पॉपुलेशन और दीगर चीजों के बारे में हमने उनको समझाया, तो उन्होंने इस चीज को समझ कर उन्होंने कहा है कि नहीं ये हॉस्पिटल जो है वो सरकारी चलेगा, उसके बाद जो सर्जरीज है वो स्कीम के अंदर में होगी इंशाल्लाह। जागीर भाई आप भी करीब दो दिन से बैठे, चार दिन हो गए आपका भी भूख हड़ताल, तभी तो भूख हड़ताल आप लोगों की खत्म हो गई है, जो मांगे है पूरी हुई है उसे लेकर आप संतुष्ट हैं? जी मैं काफ़ी संतुष्ट हूं और अल्लाह का शुक्र गुज़ार हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, और हमारे जितनी भी टीम के लोग हमारे साथ थे काफ़ी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह दिन में भी रात में भी हमारा साथ दिया, और मैं मुमरा के शहर के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्र गुज़ार हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर अपने वक्त के हिसाब से जो भी हमको वक्त दिया यहाँ पर आकर अपनी लड़ाई लड़ी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र गुज़ार हूँ, और मीडिया का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने जो है इस बात को आगे नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाने के लिए हमारा साथ दिया है, और इससे जो है मैं मुमरा के शहर वालों को भी ये मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोग को इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी मुस्लिम लीग पार्टी की कि कलवा शिवाजी हॉस्पिटल की तरह ही इस हॉस्पिटल को भी रन किया जाएगा, जिससे एतराफ़ में जितने भी हमारे शहर है दिवा किरकाली वगैरह जो भी है कल्याणपाटा सिलपाटा टाइगर वगैरह जितने भी सिटीज आस पास में इंशाल्लाह मुमरा कौसा के साथ में हर तरह की आवाम आकर यहाँ पर इसका फायदा उठाएगी। अच्छा आपने भी काफी मेहनत किया है, आप अपने बहन के लिए काफी साथ दिया, बहुत मुश्किल वाला सफर रहा है, पहली मरतबा हम लोगों ने एक काम किया था, कुछ अंदाजा नहीं था किस तरह करना है क्या करना है इसको, लेकिन इतना था कि भाई इसको कहीं रहने देना चाहिए, इसके लिए दिन रात इधर पड़े रहना पड़े रहेंगे, ईद मनाना पड़ेगा, ईद तक का हमने सोच लिया था ईद भी है इधर ही मनानी पड़ेगी, लेकिन एक बात मैं उमरा कौशल की आवाम को बोल देना चाहता हूँ, भले ओरल आश्वासन मिला हो लेकिन हमारी नजर हमेशा हर रोज हम इसको चेक करते रहे कि कुछ पीछे गड़बड़ी ना हो रही हो, इस बात से संतुष्ट रहे कि इस हॉस्पिटल को हम प्राइवेट होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बात सही है कि इन्हें जो है वो मौखिक ओरल यानी ओरल जो है इन्हें आश्वासन दिया गया, ऐसा लिखित में इन्हें नहीं दिया गया है, लेकिन इनका भी कहना ये है कि पर्दे के पीछे खेला नहीं होना चाहिए और इसलिए ये अपनी नजर जो है इस पर बनाए रखेंगे। बहरहाल भूख हड़ताल खत्म करने के बाद मनीष जोशी साहब ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुना दें। लेकिन उसका जो मॉडल था वो पीपीपी मॉडल था, अब यहाँ लोगों की ऐसी डिमांड आ रही है कि भाई पीपीपी मॉडल के हिसाब से न करते हुए टीएमसी ने खुद ये हॉस्पिटल चलाना चाहिए। टीएमसी इस मांग पे डेफिनेटली विचार करेगी, और साथ ही साथ जो इसका जो मेन थीम है इस मॉडल का पीपीपी का MJPJY के तहत वो भी इसमें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे मुफ्त में मेडिकल सुविधा उपलब्ध होगी विच इंक्लूड स्पेशलिटी एंड मल्टी स्पेशलिटी, उसके लिए डेफिनेटली प्रशासन सकारात्मक है। मैं आज प्रशासन की तरफ से यहाँ आया हूँ क्योंकि रमज़ान का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है, आज हमारी चांद रात है, हम नहीं चाहेंगे कि मैडम यहाँ बैठे और उपोषण करें, क्योंकि ये सब हम सब का एक अच्छा फेस्टिवल शुरू होने वाला है, और साथ ही साथ जैसे मैंने इनको बोला कि प्रशासन इस पर अब चर्चा करेगा कि इस मॉडल को हम कैसे रीएडजस्ट कर सकें, जिसकी वजह से सभी लोगों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सर्विसेज घर बैठे मिल जाए, इसके लिए हम प्रयत्नशील। जोशी साहब जो इनकी मांग थी कि टेंडर जो है रद्द किया जाए, तो उसमें तो कुछ विचार है नहीं, आप कह रहे हैं कि अभी इसका हम जांच करेंगे कि है रद्द कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या बात बोली, मैंने बोला कि हम चर्चा करेंगे, हाँ तो जब तक चर्चा चल रही है तब तक टेंडर पे कार्रवाई नहीं होगी, इतना मैंने क्लियर कर, है ना, एक तरफ चर्चा और पीठ पीछे टेंडर फाइनलाइजेशन नहीं हुई, रोक दिया गया, पहले बोल चुके हैं रोक दिया गया।